आज उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर पंजाबी समाज बहुल बाजार को ध्वस्त करने के विरोध में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग, पंडित धीरज भारद्वाज और सैकड़ों पंजाबी व्यापारियों ने देश के माहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे को उनके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सौंपकर उत्तराखंड सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग ने बताया कि लंबे समय से पंजाबी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में अतिक्रमण के नाम पर करणपुर बाजार व प्रेमनगर के बाजारों को अतिक्रमण के नाम पर इस प्रकार तोड़ा और ध्वस्त किया है जैसे यहाँ पर बमबारी हुई हो, जहाँ पर व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और पंजाबी समाज के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं अखिल भारतीय पंजाबी महासभा के जिलाध्यक्ष पंडित राजकुमार भारद्वाज व व्यापार मंडल के नगर प्रभारी दलजीत सिंह कोचर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी खुमरान पुल पर अतिक्रमण के नाम पर बिना किसी वजह से पंजाबी समाज के 8-10 दुकानदारों की दुकानों को तोड़कर सड़क पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं कुछ दिन पूर्व हरियाणा व दिल्ली में भी आंदोलन के समय पंजाबी समाज की दुकानों, मकानों व फैक्ट्रियों में लूटपाट की गई और उनकी संपत्तियों को आग के हवाले किया गया। भारतीय जनता पार्टी के चलते पंजाबी समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए आज उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पंजाबी समाज की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग की। किस मामले को लेकर आज हैं? आज हम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व अखिल भारतीय पंजाबी महासभा के नेतृत्व में हम भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने पंजाबी बहुल व्यापारियों के व्यापारों को तहस नहस कर दिया है, सड़क पर ला दिया है, उनके बाजारों में इस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है जैसे वहाँ पर बमबारी हुई हो। पूरा उत्तराखंड के देहरादून के करण बाजार, प्रेमनगर बाजार, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, गदरपुर आदि क्षेत्रों में जहाँ पर पंजाबी बहुल बाजार थे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। क्या कारण रहा? हम ये कहते हैं कि हमारी इस सरकार को जिस प्रकार पंजाबी समाज देश विभाजन के पूर्व पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आया कि इसीलिए आया कि हमने राष्ट्र प्रेम था हमारे मन में, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पंजाबी समाज ने अपनी सरकार समझा, उसके लिए तन मन धन से वोट देने का काम किया और अपनी पार्टी मानने का काम किया। लेकिन आज इस पार्टी ने उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, खुमरानपुर पर जिस तरह पंजाबी समाज की दुकानों को तोड़ा गया, उसके साथ साथ दिल्ली में भी सीलिंग के नाम कर पंजाबी समाज की दुकानों में कोठियों को तोड़ने का काम किया। क्यों तोड़ी गई है ये बताइए, क्यों तोड़ी गई है? पंजाबी समाज का इस सरकार के समक्ष कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि पंजाबी समाज हमारा सीधा सच्चा व्यापारी आदमी है, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार ने पंजाबियों की अहमियत को ख़त्म करने का काम किया है। मैं इस सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र बर्खास्त करके व्यापारी समाज में जो आज दहशत जाग चुकी है, हरियाणा में भी जाट आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से उनकी कोठियों, फैक्ट्रियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, पंजाबी समाज में कहीं ना कहीं भय की स्थिति बनी हुई है इस देश में। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि पंजाबियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। पंजाबी ब्राह्मण महासभा का संयोजक और प्रवक्ता होने के नाते समाज से और सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम पंजाबी कहाँ जाएं? कलकत्ता में चले जाओ तो बंगालियों का राज है, उत्तराखंड में चले जाओ तो पहाड़ियों का राज है, जहाँ देखो अब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको जाति में बांट रही है। सभी जातियों की सुनवाई है, हम पंजाबियों की सुनवाई नहीं है। क्या हम वोट बैंक नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? या हमारा वोट नहीं है? अगर हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोट है, तो हक तो हमें भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? टारगेट किया जा रहा है जाति को देखकर। देखो हमें सरकार से कोई नाराज़गी नहीं भी है और है भी, यदि परिवार में भी कोई गलत काम करता है तो हम उसको भी कह सकते हैं कि तूने गलत किया है। तो क्या मांग सरकार कर गलत कर रही है? हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जाति पाति का भेदभाव मिटाया जाए, और दूसरी बात किसी को खास जाति को टारगेट ना किया जाए जैसे कि पंजाबियों को।
सहारनपुर हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हम कहाँ जाएं भाई, हमें बताओ। हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान भेज दो वापस। पंजाबी समाज को बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो गलत। भाई साहब हम बीजेपी, भाई तो कह रहे हैं हम तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन यदि बीजेपी हमारी नहीं सुनेगी तो हम उसके साथ थोड़ी रहेंगे। अगर हमारे परिवार का एक बेटा भी गलत जाता है तो हम उसको भी डांटते हैं, घर से निकाल देते हैं।